प्रदेश में सुपरस्टार रजनीकांत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। चर्चा में रजनीकांत का सीएम योगी का पांव छूना। दरअसल साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि रजनीकांत करीब 72 साल के हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्र करीब 91 साल की है। इसके बावजूद रजनीकांत का यूपी के मुख्यमंत्री का पांव छूना चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रही है, ट्विटर पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रजनीकांत ने मुख्यमंत्री का पांव क्यों छुआ। इसके पीछे की वजह लोग भारतीय संस्कृति और संत परंपरा का सम्मान के रूप में पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में सनातन संस्कृति को अपने मूल रूप में रखा गया है। फिल्मों के कलाकार भी सनातन संस्कृति को प्रदर्शित करते दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ संत परंपरा से आते, इस कारण रजनीकांत ने उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। वहीं रविवार को रजनीकांत ने यूपी के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनके आवास पर मुलाकात, अपनी 9 साल पुरानी मुलाकात की याद को ताजा किया। वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार से उतरते ही छुआ पांव। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर जैसे ही रजनीकांत की गाड़ी रुकी और वो नीचे उतरे तो सामने सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। सीएम योगी के सामने पहुंचते ही रजनीकांत झुके और योगी का पांव छू लिया। योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। फूलों के गुलदस्ते से सीएम ने सुपरस्टार का आवास पर स्वागत किया। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तुरंत वायरल होने लगा। फिल्म सिटी पर भी हुई चर्चा। रजनीकांत और सीएम योगी की मुलाकात के दौरान नोएडा फिल्म सिटी का मुद्दा उठा। सीएम योगी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस पर रजनीकांत ने फिल्म सिटी में निवेश की भी इच्छा जताई, साथ ही इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी। रजनीकांत ने इससे पहले राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी शिष्टाचार भेंट की थी। रजनीकांत शुक्रवार रात अपनी फिल्म जेलर के प्रचार के लिए लखनऊ आए थे। वही शनिवार दोपहर उन्होंने डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य के साथ फिनिक्स प्लासियो मॉल में जेलर फिल्म देखी। इस दौरान मॉल के भीतर और बाहर प्रशंसकों का भारी जमावड़ा दिखा। धर्म से रहा गहरा नाता। रजनीकांत का धर्म से गहरा नाता रहा है। वो तमिलनाडु में सनातन के पैरोकार माने जाते रहे हैं। फिल्मों में काम करने के साथ साथ वो सनातन संस्कृति की खूब बात करते रहे हैं। इस कारण उन्हें हमेशा भाजपा की करीबी के तौर पर पेश किया जाता रहा। एक बार फिर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी अपने मित्रवत संबंधों की चर्चा की थी। हालांकि वो कभी खुलकर कभी भी किसी पार्टी के साथ नजर नहीं आए। जेलर फिल्म के प्रदर्शन के बाद से वो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने झारखंड के राजरप्पा स्थित माता मंदिर का दर्शन किया। इसके अलावा वो बद्रीनाथ भी पहुंचे थे, अब वो अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। इस संबंध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि रजनीकांत की सफलता के पीछे राम, शिव और देवी की कृपा है। ऐसे में उन्हें श्री राम के दर्शन करने जाना ही चाहिए।